बैगन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जैलिक अम्ल है, हैं, और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है। आज हम बात करेंगे गर्मी के सीजन में बैगन की खेती कैसे करें। बैगन की खेती करने के लिए सबसे पहले बात तो इसके लिए पौध तैयार करेंगे। पौध कैसे तैयार करेंगे और सारी सब्जियों के पौध कैसे तैयार करेंगे, मैंने पिछला वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। बात करेंगे इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए। इसके लिए बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। और छह से सात इसका पीएच होना चाहिए मृदा का। बुआई का समय क्या होता है? जनवरी से फरवरी, मतलब जनवरी से फरवरी के बीच में आप लगा देंगे। मतलब पहले आप नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करने के बाद जब इसको लगाएंगे जनवरी फरवरी, अगर आप नर्सरी डाल देंगे 15 जनवरी के बाद, अगर अभी आप नर्सरी डाल देते हैं तो लास्ट फरवरी तक फिर भी आप इसको लगा देंगे अपने खेत पे। क्या है? जनवरी से फरवरी, ये क्या है? गर्मी के लिए। अगर हमको बारिश में चाहिए तो क्या होना चाहिए? अप्रैल और मई में इसके लगा देंगे। ठंडी में चाहिए तो जून और जुलाई में लगा देंगे। बीज दर कितना होना चाहिए? 300 ग्राम समान, मतलब जो समान बीज है उसके लगभग 300 ग्राम होना चाहिए, और जो संकर बीज है उसके 200 से 250 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर होने चाहिए। खेत की तैयारी, पौध लगाने से पहले आपको क्या करेंगे, 2-3 कल्टीवेटर से इसकी जुताई कर देंगे, बढ़िया से 2-3 बार पांटा लगा देंगे, क्योंकि देसी हल तब तो चलता नहीं, देसी हल से आप जुताई कर सकते हैं। पहली जुताई आप हैरो से भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़े खरपतवार हैं कल्टीवेटर से कर दीजिए, और बढ़िया से पांटा लगा दीजिए ताकि उसमें नमी का संरक्षण बना रहे। इसके बाद रोग और कीट, ये फल सड़न है। फल सड़न के लिए क्या करेंगे? कोई भी फंगिसाइड, कोई भी फंगिसाइड आप स्प्रे कर दें। अगर फल सड़न लग रहा शुरुआती दौर पे, फमोसी जो ब्लाइट इसे बोलते हैं, फल सड़न क्या फमोसिक ब्लाइट की वजह से होता है उसको बोलते हैं, तो आप कोई भी फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। फल वेधक, इसमें क्या होता है, फल में देखा होगा कि सूढ़ी बहुत लगती है, कोई भी बैगन में सब बैगन और काटन इन्हें सबसे बड़ी समस्या होती है सूढ़ी की, क्योंकि फल लगा नहीं जिसमें तुरंत सूढ़ी लग जाएगी, खासकर बारिश वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करेंगे, डेल्फिन या DPL-8 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन का भी आप कर सकते हैं, क्लोरोफायरीफॉस का भी आप कर सकते हैं छिड़काव फल वेधक कीट के लिए। मतलब आप क्लोरोफायरीफॉस ले लिए या डेल्फिन ले लिए या DPL-8 ले लिए, 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डैम्पिंग ऑफ। ये डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है ज्यादातर ये लगती कहाँ है, नर्सरी में। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है कि जब नर्सरी में पौधा होता है उसका जड़ और तना का सड़न, मतलब यहाँ से पौधा, ये जैसे पौधा है ये नर्सरी में लगा तो यहाँ से इसे सड़ना शुरू कर जाएगा, सड़ेगा पौधा गिर जाएगा, यहाँ से मतलब पौधा सड़ेगा और गिर जाएगा। तो क्या है कि मृदा जनित रोग है ये, मतलब फंगस के द्वारा होता है और मृदा जनित रोग है। इसके लिए जब भी आप नर्सरी डालें तो भूमि को बढ़िया से शोधित कर लें। शोधित करने के लिए आप 10 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले लें आप, और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 10 किलो गोबर की खाद बड़ा से मिला लें, जहां नर्सरी लगाएं बैगन की, किसी भी सब्जी वाली फसल की नर्सरी लगाएं, अब बस छिड़काव कर दें, बड़ा बिखेर दो, पानी लगा दें, इसके बाद क्यारी बना लें अपना, बीज बो दें। इसके बाद आती किस्में। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है कि जो इसमें है बीज दर और ये फल सड़न, ये मेन चीज है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो किसान भाई करें भी खेती तो दोनों के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बनाया गया है कि मेन चीज है, क्रीम चीज है। पूसा पर्पल लॉन्ग, ये क्या है, इसकी मतलब अच्छी वैरायटी है ये, और एक ये पंत सम्राट, पूसा पर्पल लॉन्ग पंत सम्राट इसकी अच्छी वैरायटी है, एग्जाम में पूछी भी जाती। पूसा अलमोल, अर्का नवनीत क्या लोगों को लगता है कलीला की है, लोगों को लगता है मैक्समिलन की है, पर क्या है अर्का, क्योंकि उस पर भी लगा होता है।
जो कलिंदा होता है मतलब कि मक्सलैन होता है हाँ, उस पर भी अर्का लगा होता है हाँ, तो लोगों को कन्फ्यूज रहता है हाँ, तो ये क्या अर्का नवनीत किसकी है, ये बैगन की है। पंत ऋतुराज इसमें भी कन्फ्यूजन रहता लोगों को हाँ, कि मैक्समिलन की है मतलब कलिंदा की है या इसकी है, तो ये किसकी है, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पूसा अनमोल, अर्का नवनीत और पूसा पर्पल लॉन्ग किसकी वैरायटी है, ये बैगन की वैरायटी है। तो हमारा बैगन बेसिकली कंप्लीट होगा मतलब जरा सा मतलब थोड़ा सा उस पर हाँ, और फीडबैक जरूर दिया करें हाँ, अगर चीज़ें अच्छी लगें हाँ तो बताया करें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है हाँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपके तरीके हाँ, तो मैंने सोचा चलो चालू करता हूँ कुछ चीज़ें तो आपके लिए है ये, आप इसको देखें और फीडबैक ज़रूर दें अगर आपको चीज़ें ठीक लगे और इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरा नहीं सब आप का ही ये चैनल है हाँ, ये विशेष ध्यान दें हाँ। तो ये चीज़ें मेन मेन वैरायटी मेन होती है, मान लो पूसा पर्पल लॉन्ग, पंत सम्राट हाँ, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पूसा मोल और अर्का नवनीत, ये इसकी अच्छी वैरायटी है। नमस्कार।